लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा जारी है। भाजपा के निराशजनक प्रदर्शन की कई वजहें बताई जा रही है। कोई प्रत्याशी के चयन में गलती बता रहा है तो कोई बीजेपी के 80 सीटों के दावे को ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात कर रहा है। इसी बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा नरेश कही जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जनसत्ता दल से MLC और राजा भैया के करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। अक्षय प्रताप ने बीजेपी के पूर्वांचल में सीटें हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी बताई है, साथ ही कहा कि पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। अक्षय प्रताप ने राजा भैया के दबदबे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजा भैया के साथ हर वर्ग के लोग हैं और जिस तरह से ठाकुरों के अपमान को नजरअंदाज किया गया उसी का परिणाम पूर्वांचल की कई सीटों पर देखा गया। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर समेत गाजीपुर की सीट बीजेपी हार गई। इतना ही नहीं, अक्षय प्रताप ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अनुप्रिया पटेल को भी जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में अनुप्रिया पटेल के बयान राजा EVM से पैदा होता है। पैदा नहीं होता, EVM के बटन से पैदा होता है। अक्षय प्रताप के मुताबिक अनुप्रिया के इस बयान से भी लोगों में नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने कुंडा नरेश को टारगेट किया था। बता दें, यूपी की 80 सीटों में सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं। भारत 24 डिजिटल डेस्क।